तू ही तू है सपनों में मेरी खुशियाँ तू ही है, ना है तुझसा कोई यहाँ, तेरा चेहरा सपनों में क्या कर रही हो यहां तुम? जारा खातून ने आ जाने का कहा था तो इसलिए मैं बेटी की खातिर रुक गई। निगार, अस्मा नूर नाम रखा है ना आपने, बहुत खूबसूरत है, मुझे भी बहुत पसंद आया। चलो तुम जाओ, अब रात होने से पहले अपने घर पहुंच जाओ। पाशा, ना भेजे रुस्तम आगा को, उनके साथ मुझे भी जाना पड़ेगा, मुझे अपनी बेटी से जुदा ना करे खुदारा। वो मसला खत्म हो गया खातून, मजबूरन जाना पड़ेगा तुम्हें। लगता है आप जान छुड़ाना चाहते हैं मुझसे, दूर करना चाहते हैं मुझे मेरी बेटी से, क्योंकि खजीना सुल्तान की ख्वाहिश है और आपने सर झुका दिया। मुंह संभाल कर बात करो, मेरे सब्र और रहम की बेगात है, भूलो मत तुम ये बात। आखिरकार तुम्हें अपने घर का रास्ता याद आ गया? और क्या करूं आगा, मैं बहुत परेशान हूं, जी भरकर देख भी ना सकी बेटी को। मल्लिका के खिलाफ साजिश करोगी तो फिर यही होगा। जो कुछ मेरे साथ हुआ तुम उससे अनजान नहीं हो, मुझे किस चीज की सजा दी गई आगा, मौत से बदतर हाल किया मेरा, तुम ही बताओ आखिर मेरा कसूर है क्या। आगा, तुम हुरम सुल्तान से बात करो, वो तुम्हारी बात जरूर मानेगी और शायद इसी तरह कोई रास्ता निकल आए। जो हुकुम मलिका, मैं इतना फारिग नहीं कि तुम्हारे मसलों में उलझा रहूं। अगर ये बात है तो मुझे क्यों रखा है तुमने अपने पास, फौरन तलाक दे दो, मुझे भी सुकून में रखो और खुद भी रहो। शादी का कहोगी तो शादी कर लूं, तलाक का कहोगी तो तलाक दे दूं, यही ना? हम दोनों के लिए यही बेहतर है आगा, वैसे भी तुम मुझे नहीं चाहते, शादी की रात से आज तक मुझे नजर भरकर देखा तक नहीं, इसलिए फौरन तलाक दे दो। मैं जिस वक्त चाहूंगा उसी वक्त तलाक दूंगा, समझ गए तुम? तशरीफ ला रहे हैं। सुलेमान, जहांगीर से मिलने आया हूं, सो रहे क्या? नाज़ली, फरमाइए मलिका, जहांगीर को लेकर आओ। बाबा, मेरे बहादुर बेटे, कैसे हो? कोई तकलीफ तो नहीं? बहुत
मत जाएं बाबा, यहीं रहें आप। सुबह मेरे पास आ जाना, मिलकर नाश्ता करेंगे। चलो सो जाओ शाबाश। ताकुब कर रहे थे? हमारी मजबूरी थी, हमें मुखबरी हो गई थी। गुर्रम, चलो चले यहाँ से। वो मेरा खातून चाहते हैं मासूम मोहतरम और फिरोजा बेगम खान आपके लिए बहुत परेशान हैं। सुल्तान अपने मकसद में कामयाब हो गई, अब आप उससे दूर ही रहें तो अच्छा है शहजादी। अगर हम भी पीछे हट गए तो कोई नहीं रोक पाएगा हुरम को। मुआसरत चाहती हूँ लेकिन उसे रोकना मुमकिन नहीं। फिरोजा को भी भिजवा दिया उसने। बहुत जल्द हम उसे भेज देंगे। कैसे? मालूम नहीं लेकिन कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। हमें उस दिन का इंतजार करना होगा। कैसे हैं आप शक्कर आगा? हलवे की कैसी भीनी भीनी खुशबू आ रही है, पूरा महल में है कुट्ठा। क्रास आगा मर गया है ना, इस खुशी में हलवा खा रहे हैं। ऐसा मत कहो सुंबुल आगा, गुनाह होता है। कैसे आना हुआ बिलाल आगा? आका का खाना तुमने तैयार किया या नहीं? खबर करवा दूंगा तैयार होते ही। तुम क्रास का बताओ, शिकायत तो नहीं कर दी हमारी? रुकेगा थोड़ी, कर दी होगी उसने, दुनिया भर की शिकायतें लगाता है फीफा खातून से। मलून। आका, जैसा कि आपको इल्म है कि कार्डिनल अलेसांद्रो फार्नी से पाल स्वयं नया पोप मुंतखब हुआ है और अब इस वजह से फ्रांस की पोप क्लेमेंट के जमाने से जारी इमदाद बंद कर दी जाएगी। उस नए पोप के बारे में क्या मालूमात है? फार्नी से जवां उम्री में कार्डिनल का ओहदा हासिल करने वालों में से है आका। वो अपनी खुबरू बहन जूलिया फार्नी से के पोप एलेक्सेंड्रा बोर्जिया से ताल्लुकात के साए में कार्डिनल बना था, ये साफ जाहिर है। उसके पोप बनने की मुझे कतई उम्मीद नहीं थी आका, काफी ज़ईफ हो गया वो। वो करीब उलमर्ग है, उसका इंतखाब कैसे हो गया लोग ये सोच रहे हैं। लेकिन उसके नाम के साथ पाल स्वयं का इजाफा करके ईसाई दुनिया में उसका असर रसूख जाहिर किया गया है। हमारे बारे में क्या राय है उसकी?
आका फ्रांसवा और शाकलेन के दरमियान सुलह की कोशिश की जा रही है, वो सिर्फ और सिर्फ तुर्क सल्तनत की ताकत को तोड़ना चाहते हैं। क्या सलीबी जंग शुरू करना चाहते हैं? कम से कम वो कोशिश तो जरूर करेंगे शहजादे। कार्डिनल बादशाह और शहजादी से मुबारकबाद वसूल कर चुके हैं, लेकिन पोप के खजाने में कमी हो रही है। इतने बड़े पोप का खजाना सिर्फ 12,000 अशरफियों पर मुहित है। हमारा एक सूबेदार भी इससे ज्यादा माल और दौलत रखता है। उस पोप को फिर किस बात पे घमंड है? अपने माजी से उसने कोई सबक नहीं सीखा? हमारे बुजुर्गों ने जिस तरह उन्हें उन इलाकों से शिकस्त दी थी, हम भी वैसे ही शिकस्त फाश देंगे। वो हमारे मुकाबले नहीं आ सकता मेरे बेटे। आप जैसे बहादुर शहजादों, आप जैसे जानिसार बादशाहों और सूबेदारों के होते हुए इस अजीम सल्तनत पर मुश्किल वक्त कभी नहीं आ सकता खुदा के फजल से। अजीजम कार्डिनल डोनोवल, जैसा कि आप बखूबी जानते हैं कि यूरोप आज एक अजीम खतरे से दो चार है। तुर्क हर कदम पर हमारा रास्ता बंद कर चुके हैं और कलीसा के दो अहम सपूत भी बाहम दस्तों के रिबा हुए हैं। फ्रांसुआ और शार्कलेन को हर हाल में मुत्तहिद होना पड़ेगा। आप सच फरमाते हैं पापा मोहतरम, लेकिन ये सब मुमकिन नहीं लगता क्योंकि शाह फ्रांसुआ का सुल्तान सुलेमान से इत्तेहाद का मुआहदा हो चुका है, यही खबरें आ रही हैं। जानते हो ना, अगर ये सच हुआ तो पूरी ईसाई दुनिया उससे अतः ताल्लुक कर लेगी। इस सूरत में वो तन्हा रह जाएगा। फिर तो उसे मुआहदा खत्म करना होगा। फ्रांस कलीसा का एक अजीम सपूत है और तारीखी हवाले से भी फ्रांस की हिफाजत करना हमारा फर्ज है। अगर वो नहीं मानते तो वाम पर जाहिर कर देंगे ये कलीसा के खिलाफ इस्लाम का साथ देने वालों को जहन्नम भी कभी कबूल नहीं करेगा और उनकी रूह को अजाब झेलना पड़ेगा। फौरन राहिबों को फ्रांस में वाज देने के लिए भेज देते हैं, लेकिन पोप मोहतरम फ्रांसुआ बादशाह शार्कलेन के खौफ से सुलेमान के पास गया है, इसलिए उसे कायल करना बहुत मुश्किल होगा। कार्डिनल मजबूर हैं हम इस पर, और अगर हम कामयाब ना हो सके तो अजीज पेट्रो की खाक छोड़कर हम रोमा से निकलने पर मजबूर होंगे। खुदा हम सब की हिफाजत करे, आमीन। लूथर नाम के पोप की वेटिकन के खिलाफ क्या सरगर्मियां जारी हैं? हम निगरानी कर रहे हैं आका, पोप पर एक अजीम हमला हो चुका है। मसलन जर्मन शहजादे और स्विस शहजादे पोप की पहले जैसी माली और सियासी मुआवनत बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। पोप इस सरजमीन पर अपनी हाकमियत खो चुका है। ये मुल्क अब शहजादे चलाते हैं, इंग्लिस्तान भी पोप से दूर हो चुका है। आला, ईसाई दुनिया जितनी ज्यादा तकसीम होगी सल्तनत आलिया उतनी ही वसीतर होती जाएगी। मुस्तफा पाशा, फरमाइए आका। हमारे तमाम सूबेदारों को पैगाम भेजो, लूथर और उसके तमाम साथियों की ऐसे ही खुफिया तौर पर मदद करते रहे। इसके अलावा वेटिकन और शाकलेन के खौफ से फरार होने वालों को तुर्क ममालिक में कबूल करके उनको आजादी से उनकी इबादत गाहों में जाने का मौका फराहम करें। हुक्म और फरमान मेरे अजीम आका का है। एक अहम बात और है जलालजादे। फरमाइए आका। सल्तनत हुमायूं के खजाने से 20 लाख अशरफियों की मालियत की अराजी हुरम सुल्तान के फलाही दारे के लिए मुख्तस की जाए, मुख्तारनामा तैयार किया जाए और सल्तनत के तारीख नामे में भी इस मामले को दर्ज किया जाए। आपका जो हुक्म। मलिका। काजी साहब, मेरी गुजारिश पर आप तशरीफ लाए मैं बेहद मशकूर हूँ। मलिका, ये तो मेरे लिए शर्फ की बात है। इल्म इरफान और तसव्वुफ के अजीम आलिम हैं आप। सिर्फ यही नहीं बल्कि आका ने तुर्क सल्तनत की कानून साजी भी आपको सौंप दी है। अस्तग़फ़िरुल्लाह मलिका, इल्म कहाँ मैं कहाँ, अगर आपके किसी काम आ सका तो खूब होगा। शायद आप जानते हो मैं अपने नाम से एक फलाही इदारा बना रही हूँ कारहाए खैर के लिए। मलिका, दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हमारे पैगंबर फरमाते हैं ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। आप सदका देकर
کارہائے خیر انجام دے کر اپنی عاجزی اور رحمدلی ظاہر کر رہی ہیں۔ قاضی صاحب، کون سا فلاحی کام لوگوں کے لیے زیادہ بہتر رہے گا جس سے دعائیں مل سکیں؟ مرحوم والدہ سلطان نے منیسا میں ایک مکمل جامعہ تعمیر کروائی، آپ بھی ویسے ہی کر سکتی ہیں ملکہ، جس میں مسجد، خیراتی ادارہ، مدرسہ، مکتب اور دارالشفا یکجا ہوں۔ یہ فقیروں کے لیے اور اس کے علاوہ علم کے طلبگاروں کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا۔ شہزادی جوان بخت جہاں فن حرف سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں وہاں یہ سب کروا دیں۔ اس ریاست میں آپ کا نام ہمیشہ زندہ و تابندہ رہے گا ملکہ۔ ضرور، وہاں بھی یہ سب کچھ ضرور بنواؤں گی، لیکن پہلے میں یہ چاہتی ہوں کہ استنبول میں کوئی فلاحی ادارہ بنوایا جائے۔ ملکہ، استنبول میری رائے میں ہماری بادشاہ کی معاونت ناگزیر ہوگی یہ کام کروانے کے لیے، اور یہاں کے صوبے دار کی معاونت بھی درکار ہوگی۔ کیا کوئی میری معاونت سے انکار کر سکتا ہے قاضی صاحب، بتائیے نا۔ ملکہ، جو انسان بھی کار خیر انجام دیتا ہے اس کے مقابل کوئی بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ خوب، کچھ بادشاہوں اور صوبے داروں کی زوجات بھی میری شریک کار ہوں گی۔ آپ کی زوجہ زینب خاتون کو بھی اپنے ہمراہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں ان سے کہہ دوں گا ملکہ، لیکن ایسے ادارے کے لیے خطیر مال کی ضرورت ہے، میرے خیال میں وہ بھی کافی نہیں ہوگا۔ یہ کام مستقل جاری رکھنے کے لیے آمدنی کا ہونا بھی شرط ہے۔ آپ اس کی فکر نہ کریں قاضی صاحب، آقا نے مجھے بہت قیمتی جائیداد دی ہے تحفے میں، اس کی آمدنی بھی کافی ہے۔ ادارے کی بہتری کے لیے جو ناگزیر ہوگا ضرور کروں گی میں۔ اللہ آپ کا یہ نیک کام قبول فرمائے ملکہ۔ آمین۔ ابو سعود صاحب، میں اس ادارے کا انتظام میرے استبل رستم آقا کو سونپنا چاہتی تھی، لیکن انہیں تیکے میں صوبے دار تعینات کر دیا گیا ہے، مگر آپ موجود ہیں یہاں، میں چاہتی ہوں کہ آپ توجہ دیں، ہماری رہنمائی کریں، مجھے خوشی ہوگی۔ میری کیا اوقات ملکہ۔ آؤ شہزادی۔ آؤ زمرد آغا۔ یا صاحب نے بھیجا ہے، تم جا سکتے ہو۔ شہزادی، میں اسی پیڑ تلے جس کے تلے میری زندگی کو معنی نصیب ہوئے موجود ہوں۔ چار سو تاریکی ہے، میری آنکھوں کے سامنے گھپ اندھیرا ہے، اپنے چہرے پر نور کا دیدار کروائیں تاکہ روشن ہو سکے میری آنکھیں۔ زمرد آغا، زمرد آغا۔ فرمائیے شہزادی۔ تشریف لی آیا آیا ہے یہاں۔ معلوم ہے شہزادی، بائیں باغ میں آپ کی تشریف آوری کے منتظر ہیں۔ تو پھر تم نے خبر کیوں نہیں دی مجھے؟ تم باہر ٹھہرو، میں ابھی آ رہی ہوں۔ لڑکیوں، مجھے امید نہیں تھی کہ تم اتنی جلدی آ جاؤ گے، تمہیں دوبارہ دیکھ پاؤں گی مجھے یقین نہیں تھا۔ اسی لیے آ گیا شہزادی، آپ کو یقین دلانے کے لیے۔ ایک جان ہے، وہ بھی آپ کی دیدار کے لیے فدا کرنے کو تیار ہوں۔ مصطفیٰ بھائی کیسے ہیں؟ جی وہ ٹھیک ہیں، میں اپنے اہل خانہ سے ملنے کی اجازت لے کر آیا ہوں۔ یہ بہت خطرناک ہے، ہمیں صبر اور احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ جب سے میں نے آپ کو دیکھا ہے، مجھ میں نہ تو صبر رہا اور نہ عقل۔
एक लाचार आशिक की तरह मेरी आंखों से नींद उड़ चुकी है। आपके ख्यालों में रहते दिन और रात में कोई फर्क नहीं रहा, और अब अपने इस गुलाम के बारे में कभी सोचा है आपने? मैं तुम्हें भूल नहीं पाती कभी, ख्वाबों में ख्यालों में सिर्फ तुम रहते हो। लेकिन इसका सबब सिर्फ दीदार है क्या? इसका अंजाम कितना भयानक होगा ये मुझे नहीं मालूम। कोई देख लेगा, कोई सुन लेगा, ही सोचकर खौफजदा हो जाती हूँ। एक परवाने की तरह आपके आसपास रहने के लिए हर वक्त तड़पता है ये दिल। आपको लम्हा भर देखने के लिए मैं हर चीज फिदा कर सकता हूँ। वाले आना इश्क है आपसे। मलिका मेरे साथ आओ। खैर तो है मलिका, कोई मसला है क्या? तश्ची अली यहिया को जानते हो क्या तुम? वो जो शहजादे मुस्तफा का दोस्त है। जी हाँ मलिका। मनीषा से आया है यहाँ। वो क्या करने के लिए आया है? रुस्तम आगा से कहो उस पर नजर रखे, क्या कर रहा है क्या नहीं, मुझे हर बात से आगाह करे। मलिका आपको किसी मामले पे शक है क्या? ये माहे दौरा की कोई साजिश हो सकती है। आखिर बैठे बिठाए उसे क्या काम पड़ गया पाया है तख्त में? सुबुलाहा हमें हर मामले का ख्याल रखना होगा। मैं फौरन रुस्तम आगा को खबर करता हूँ मलिका। ठीक है जल्दी करो, एक लम्हे के लिए भी गाफिल मत रहना। आपका हुक्म सर आंखों पर। ख्वाब देखा था कि यह हार आपकी शख्सियत की जीनत बनेगा। मेरा यह हार जेब तन करके आपने मुझे बेहद खुशी दी है। वालिदा कहीं पूछना ले इसलिए ज्यादा नहीं पहनती, वैसे भी उन्हें मुझ पर एक शक सा है। कुछ हुआ है? नहीं कुछ नहीं, उन्हें सिर्फ एक शक सा है। काश के सब जान लें, सबको बता दूं, किसी को एतराज ना हो। मैं अपनी मोहब्बत की खातिर कितना दीवाना हूं देख लें, दुनिया जहां को मालूम हो जाए सूरज के मानिंद ये दिल कैसे जलता है। शहजादी कोई आ रहा है। काफी दिनों से तुम मसरूफ थे कारखाने में। अच्छा हुआ शाम आ गए, कुछ बातें ही हो जाए तुमसे। वैसे जानता हूं तुम रातों को घूमते रहते हो, मुझे मिलती रहती तुम्हारी खबरें। जब समंदर पर नहीं होता तो हर जगह एक जैसी लगती है पाशा। मेरी रूह आज जिस आ जाती है और मैं उगता जाता हूँ। कुछ ही वक्त बाकी है अमीरुल बहर पाशा, रोमा के साहिल और समंदर हमारे मुंतजर हैं। बहुत ही मुश्किल से गुजर रहे मेरे ये दिन नसवफंदी। पाशा, क्या शहजादे मुस्तफा की कोई खबर मिली है? सब खैरियत तो है ना? हाँ वो खैरियत से है। वाह, सलामत रहो खातून, आओ बैठो मेरे पास, तुमसे कुछ कहना है। खैरियत तो है साहब, अहमद की बात तो नहीं करेंगे? हरगिज उसका नाम मत लो, जान ना चलाओ मेरी। क्या कहना था? हाँ, आज हुरम सुल्तान से मुलाकात हुई। हुरम सुल्तान से?
उन्होंने बुलवाया था, मुझसे मिलना चाहती थी। वो मुझसे मशवरा लेना चाहती थी एक मसले पर। उनके मुतालिक लोग बरसों से बातें कर रहे हैं, बुरी है, जादूगरनी है, बल्कि उसके सर के पीछे एक आंख भी है। तौबा तौबा, लोगों को गीबत के सिवा और क्या आता है? कैसी कैसी बातें करते हैं, कहते हैं जादूगरनी है या सुबूर। ये सब बातें सुनकर मुझे भी तजस्सुस होता है। ओ, जब तुम अपनी आंखों से देखोगी तो पूछ लेना खातून। मलेका गरीबों के लिए एक फलाही इदारा बनाने की नियत रखती हैं, मुझे भी शामिल करना चाहती हैं वो। इसके अलावा मलेका तुमसे भी मिलना चाहती हैं। मुझसे? तुम्हें भी इस नेक काम में शामिल करना चाहती हैं, क्या ख्याल है तुम्हारा? पेशकश कर रही हैं, क्या कहती हो? जी बिल्कुल, मुझे भी फख्र होगा। आला आला, अब तो मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे बहुत से काम करने हैं। और अहमद का क्या होगा? चलो खातून, चलो चलो। तमाम लोग खुलूस से जिक्र करते हैं शहजादे का। जब वो पाए तख्त में थे तब उनसे मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ था। वो समंदरों की तस्खीर चाहते हैं, बड़े समंदरों के दूसरी तरफ से। शहजादे के ख्यालात बहुत वसी हैं। वो वक्त भी आ जाएगा इंशाल्लाह, एक दिन जरूर जाएंगे हम दूसरी जानिब। बाद में शहजादे मेहमद से भी मुलाकात हुई। इंतहाई अकलमंद, बहुत ही समझदार। ऐसा ही है, ऐसा ही है। क्या मतलब नहीं है? हाँ? उस खातून को फौरन पकड़ कर यहां लाओ। छोड़ो, हटो पीछे। तुम लोग नहीं जानते कि मैं कौन हूं। काजी साहब मेरे बाबा हैं। छोड़ो, सबको बर्बाद कर दूंगा मैं। तुम लोग नहीं जानते कि मैं कौन हूं। छोड़ो मुझे, पीछे हट जाओ। कौन था ये गुस्सा? छोड़े साहब, हमारे लिए वो मुसीबत बन गया है, हर रात यहाँ हंगामा करता है। काजी साहब से क्या वास्ता है? छोड़े उसकी बात ना सुने साहब, ऐसे बाप की ऐसी औलाद नहीं हो सकती। अबू सऊद साहब का बेटा है क्या? कितना सच है ये मालूम नहीं, लेकिन वो कहता है कि काजी साहब का बेटा हूँ। पाशा मोहतरम, आपको सुबह बखैर। सुबह बखैर, कैसे हो? अपने अहले खाना के साथ वक्त गुजार लिया तश्जी अली? जी हाँ पाशा, अपने सब काम भी निपटा दिए। अब तुम्हारे घर बसाने का वक्त भी हो चुका है। हाँ, क्या तुम्हारा दिल चुराने वाली है कोई? नहीं पाशा। ये लो, माहे तौरा सुल्तान तक पहुंचा देना। आपका जो हुक्म पाशा। तस्जी अली, शहजादे मुस्तफा से करीब तरीन तुम ही हो। मैंने तुम्हें वहां उनकी जान की हिफाजत के लिए भेजा है। हर तरह की गद्दारी और बगावत के खिलाफ तुम उनकी हिफाजत अपनी जान से भी ज्यादा करोगे, समझ गए? आप फिक्र ना करें पाशा, उस वाकये के बाद मैंने हर एहतियात कर लिया। वो वाकया बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। खैर, ये तुम्हारे लिए एक सबक है, दोबारा ऐसी चूक नहीं होनी चाहिए। चलो, तुम्हारे रास्ते आसान हो, मंजिल करीब हो। Thank you.
मेरे आका। पागली, कब गुजरेगा ये मौसम? बारिश और सर्दी अब तक खत्म नहीं हुई। कई मौसम सरमा आकर गुजर गए, ये भी गुजर जाएगा जरूर। मुस्तफा की जानिब से भी अभी तक कोई खबर नहीं आई। लगता है मेरे इनकार के बावजूद निकाह करेगा उस खातून से। क्या मकसद है इसका? उसे नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। हरगिज़ नहीं, शहजादे की ऐसी कोई नियत नहीं होगी। मुझे यकीन है जो मुनासिब होगा वो वही करेंगे। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? क्योंकि उनकी तरबियत मैंने की है। चाहे उनसे कोई खता भी सरजद हो जाए, उनकी अबदी वफादारी पर आपको बिल्कुल भी शक नहीं करना चाहिए। बिल्कुल मेरी तरह। आज तुम जल्दी आ गए। अगर इजाजत दे तो मैं अदरना जाना चाहता हूँ मेरे आका। क्या जरूरत पेश आ गई? सफर अतालिया के लिए मेरा वहां जाना जरूरी है। जल्दी क्यों कर रहे हो आका? अगर तैयारी जबरदस्त ना हो सकी तो फिर सफर का नतीजा अच्छा नहीं निकल पाएगा। जब सिपाही मुझे अपने दरमियान पाएंगे तो उनका हौसला मजीद बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपको मेरी जरूरत है तो मुलतवी कर देता हूं। तुम जा सकते हो। अगर जा ही रहे हो तो खजीना और बच्चों को भी साथ लेते जाओ। कुछ दिन कयाम करो, वक्त गुजारो अहले खाना के साथ। मेरा भी यही ख्याल था। मौसम कुछ बेहतर हो जाए, क्योंकि सर्दियों की वजह से रास्ते दुश्वार हैं। दुर्मुश आगा। फरमाइए याहिया साहब। ये मकतूब जल्द अज जल्द माहे दौरा सुल्तान तक पहुंचाना होगा। आप नहीं चल रहे क्या साहब? मुझे मजीद दो रोज ठहरना होगा। मलिका से कह देना मेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं, मैं कुछ वक्त और पाए तख्त में रहना चाहता हूँ। ठीक है साहब, अल्लाह उन्हें शिफा दे। शुक्रिया। दुर्मुश आगा, मकतूब अहम है, हर किस कोई ना देखे और ना जाने। समझ गए? समझ गए जनाब। चलो, तुम्हारा रास्ता आसान है। सुबह बखैर हो आपको पाशा। मलिका। फिरोजा चली गई और उसके साथ ही कुछ और चीजें भी खत्म हो गईं। मसलन दुश्मनों की उम्मीदें। उम्मीद? उम्मीद तो सिर्फ उन बेचारों की खत्म हुई है जो उसकी जरूरत महसूस करते थे। राह मैं तो मेरी जगह और मकाम आपको मालूम है, आका के पास है। मैं उनके बताए हुए अहदाफ की जानिब पढ़ रहा हूं। मलिका, तुम्हारा रास्ता जहन्नुम की तरफ जा रहा है इब्राहिम, मालूम ही है। इस रास्ते पर चलना आसान नहीं। कैसी है? कोई तकलीफ तो नहीं है? काफी बेहतर हूं आका। हकीम ने एक हफ्ते बाद तलवारबाजी की भी इजाजत दे दी है। हाला, उस रोज मुस्तफा भाई से गुफ्तगू चल रही थी जिस रोज जख्मी हुआ था। उन्हें कानून के बारे में बता दिया। उन्होंने कहा आप मेरी जान हैं, मेरे भाई हैं, आपके साथ ऐसे किस तरह कर सकता हूं? मैं आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इख्तदार की ताकत और उसका हंगाम अतराफ की सब आवाजें गुम कर देता है मेरे बेटे।
खास तौर पर आपके जमीर की आवाज को। आज के फैसले की कोई अहमियत नहीं, अहमियत उस वक्त के फैसले की है। आ जाओ। आका मोहतरम, सरोहान से एक कासिद आया है, शहजादे मुस्तफा का कासिद है वो, आपके लिए एक तोहफा लाया, इसके अलावा खत भी है। मेरे आका, मनीषा में आपको परेशान करने वाला और मेरे भाई शहजादे मेहमद को जख्मी करने वाला गुनहगार आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। उसका सर मैंने बजाते खुद कलम कर दिया। आप मुतमईन रहें। तुम्हारे भाई मुस्तफा की जानिब से तुम्हारे लिए एक तोहफा है। मलिका। रुस्तम आखा, आपके हुक्म के मुताबिक तजजी अली आया का ताकुब किया। इब्राहिम पाशा ने उसे खत दिया था जो माहे दौरान सुल्तान को रवाना किया गया था। अच्छा, लगता है तजजी अली इसीलिए आया था, उनके लिखे गए खत का जवाब है ये। रुस्तम आखा, तुमने अच्छा किया। अस्मानूर, इतना काफी है, मौसम बहुत सर्द हो गया है, चलो अंदर चलते हैं। अस्मानूर। जहरा खातून, इसे यहीं रहने दो, ठंड बहुत है, अंदर से कुछ ओढ़ने के लिए ले आओ। जी अच्छा। निगार खातून, अस्मानूर, निगार खातून, हे अल्लाह कहाँ गए दोनों? आका, अस्मानूर, मेरी प्यारी बेटी, डरो नहीं, अम्मी तुम्हारे पास है, आज के बाद हम साथ रहेंगे हमेशा। शहजादे पाशा, कैसे हैं आप? खैरियत से होंगे खुदा के फसल से। ठीक हूँ पाशा, मुझे दरअसल आपकी फिक्र थी, खजीना सुल्तान कैसी है? माजी में दफन हो चुका, अब कोई परेशानी की बात नहीं। आला, मुझे खुशी हुई। मैं भी यही चाहता था कि आपकी जानिब से कोई खुशी की खबर सुनूं, लेकिन कुछ ऐसी बातें सुन रहा हूँ मुस्तफा कि मेरी नींदें हराम हो गई हैं। आका को मेरे आने की खबर करो फौरन। जाती जिंदगी नाम की कोई चीज नहीं होती मुस्तफा, आप एक शहजादे हैं, इसीलिए आपको कुछ बातों का पाबंद होना पड़ेगा, उसूल यही कहते हैं, इस बात को समझे आप। एक शहजादा निकाह नहीं कर सकता, ये कौन सी किताब में लिखा है? पाशा, ऐसा कोई उसूल नहीं। बिल्कुल नहीं है, लेकिन याद करें, वालिदा सुल्तान आपकी शादी करवाना चाहती थी, लेकिन किसके साथ? आईबी के खातून के साथ, यानी किरम खानदान की दुख्तर से। तो फिर मसला हेलेना है, उसका खानदान है, यही ना? मसला आका को है, उन्हें ये निकाह हरगिज मंजूर नहीं।
खुश आमदीद हो रहा। मैं बहुत अहम मसला लेकर आई हूँ। खैरियत तो है, क्या हुआ बताओ। इब्राहिम पाशा कहाँ है क्या आप जानते हैं? ये क्यों पूछ रही हो? अदरना गए हैं ना, आपसे वहीं जाने का कहा था उन्होंने, लेकिन वो इस वक्त वहां नहीं है। दरअसल गए ही नहीं क्योंकि बरसा में है, शहजादे मुस्तफा के साथ खुफिया मुलाकात करने गए हैं। ऐसा लगता है कि आपको तख्त से बरतरफ करने का रास्ता तलाश कर रहे हैं। और ये रहा सबूत। आपको इस मसले के बारे में होने वाली परेशानी मैं समझता हूँ। ना भूलें कि शहजादे मुस्तफा की आज तक हिफाजत करता रहा हूँ, इसके बाद भी ऐसा ही होगा, इस पर कोई शक न करें। मैं उनसे बरसा में मुलाकात करने के लिए रवाना हो रहा हूँ। सलाम और एहतराम के साथ, इब्राहिम पाशा। आगा। फरमाइए आका। अयास पाशा को तलब किया जाए फौरन। आपका जो हुक्म है आका। एक शहजादे की हैसियत से ये मेरा हक बनता है। क्या इतनी बेश कीमत है वो खातून आपके लिए? खातून की बात नहीं है पाशा, मेरे लिए परेशान कुन बात हरम में दखल अंदाजी है। मेरी खाबगाह में कौन होगा कौन नहीं होगा इसका फैसला सिर्फ मैं करूंगा। अच्छा, तो आपकी खाबगाह में आने जाने वालों का फैसला कौन कर रहा है? कभी इस पे गौर किया है आपने? मेरे आका, मुझे याद किया आपने। इब्राहिम पाशा कहाँ है? वजीर आजम मोहतरम अतालिया के सफर की तैयारी के लिए धरना गए हैं आका। तो फिर वो बरसा में क्या कर रहा है? कोई मालूमात नहीं आका। वो जैसे ही आए मेरे पास लाहौर से। आप किस ख्वाब की बात कर रहे हैं? बाबा के ख्वाब की पाशा। नबात की पैदाइश के दिन उसे तख्त पर देखा था। सिर्फ यही नहीं, मेहमत पर जो हमला हुआ था उसका शक भी उन्हें मुझ पर था पाशा। मुझे कहा तो कुछ भी नहीं, लेकिन मैं जानता हूं उन्हें शक था। शहजादा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन बातों का कोई मतलब नहीं, इनमें कुछ तलाश ना करें। आका अपनी औलाद में तफरीक नहीं करते। हाँ, उनका जहन खराब करने वाले कुछ लोग जरूर मौजूद हैं। किसी सूरत भी उन्हें मौका मत दें इस बात का। आप मुस्तफा, अगर ये निकाह हो गया तो फिर आका आपकी वफादारी पर शक करने पर मजबूर हो जाएंगे। उनके हतमी फैसले की खिलाफ वर्जी की आपने, वो ये समझेंगे। क्या आप यही चाहते हैं? पाशा, मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं। मैं आका से एक अब्दी मोहब्बत की वजह से मुंसलिक हूं, ये निकाह उसे खत्म नहीं कर सकता। आका और आपके दरमियान एक दराड़ पड़ जाएगी मुस्तफा। इसका मतलब ये है तख्त से दूर हो जाएंगे आप। क्या ये कबूल है? पाशा, सही वक्त आने पर आपको ही तख्त नशीन होना है मुस्तफा। दूसरी सूरत में तख्त भी, सल्तनत भी हुरम सुल्तान के हाथ में आ जाएगी।
क्या यह मंजूर होगा आपको? वल्ला आगा, मेरा कोई कसूर नहीं। देखो खातून, अगर तुम जानती हो कि वो कहां गई है तो फौरन बताओ, जल्दी। मुझे नहीं मालूम, वो उसे अगवा करके ले गई। मैं उसके पीछे गलियों में भी गई आगा, लेकिन वो ऐसी गायब हुई कि मैं उसे नहीं ढूंढ पाई। बस यही कमी थी, कहां जा सकती है वो खातून उस छोटी बच्ची के साथ। तुम कितने दिन रहोगी? मुझे नहीं मालूम, एक या दो दिन। कैसे नहीं मालूम खातून? उसी हिसाब से मैं पैसे लूंगी तुमसे। तीन दिन के ले लो, बाद में देख लेंगे। ठीक है, अच्छा चलो, खैर ही होगी खुदा ने चाहा तो। अकेली माँ बेटी क्यों आई हो? क्या तुम्हारा कोई घर नहीं है? हम बहुत थक गए हैं खातून, भूख भी लगी है, हमारे लिए खाने को कुछ ले आए। ठीक है। आसमानूर मेरी प्यारी बेटी, आओ यहां बैठते हैं। तुम डरना नहीं और रोना भी नहीं, हम हमेशा साथ रहेंगे। निगार खातून कहाँ है? वो यहाँ नहीं है। रुस्तम आगा, वो जहाँ भी है बता दो, मामला संगीन है, वो बच्ची लेकर फरार हो गई है। पाशा को मालूम होने से पहले मिल जाए, यही हम दोनों के लिए बेहतर है। खातून यहाँ नहीं है, वो मेरा सोना लेकर भाग गई। जैसे ही मेरे हाथ आएगी जान से मार दूंगा। पाशा मोहतरम यहाँ नहीं है, उनके वापस आने तक वो जरूर मिल जाएगी। मतलब जी, तुम इस मामले में दखल ना दो, मुझे मालूम है क्या करना है। असल में तुम दखल मत दो रुस्तम आगा, उस बच्ची को अगर जरा सा भी नुकसान पहुंचा तो पाशा तुम्हारी जिंदगी अजीरन कर देंगे। पाशा मोहतरम, खुश आमदीद। खैरियत तो है पाशा, यह कैसा इस्तकबाल हो रहा है? आका आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, तुम मिल जाओ, मैं पहुंचता हूं अभी। फौरन आने का हुक्म फरमाया है पाशा मोहतरम। मसला क्या है? मुझे मालूमात नहीं है पाशा। चलो फिर चलते हैं।
मेरे आका इब्राहिम पाशा मोहतरम तशरीफ लाए हैं। तुम जा सकते हो, आने दो उसे। मेरे आका, सफर कैसा रहा तुम्हारा इब्राहिम? अदरना के क्या हालात हैं? मेरे आका, अदरना नहीं गया मैं, बरसा में शहजादे मुस्तफा से मिलने गया था। दरअसल मुझे ही पहले ही मालूम हो चुका है। तुमने इस मकतूब में लिखा है, मलिका। अयास पाशा कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आपकी सलामती के लिए दुआगू हूँ। क्या इब्राहिम पाशा अंदर हैं आका के पास? जी हाँ मलिका। आपकी जौजा आयशा खातून से मुलाकात हुई, इदारे में उनकी शमूलियत पर मुझे बेहद खुशी हुई। किसी वक्त आपसे भी इस बारे में बात करना चाहूंगी मैं। जिस वक्त आप हुक्म करें मलिका। झूठ क्यों बोला तुमने? शायद मेरे दुश्मनों ने मासूम सी मुलाकात को गलत रंग देने की कोशिश की है। झूठ के रास्ते पर मासूमियत नहीं होती इब्राहिम, गद्दारी ही हो सकती है फकत। माहे दौरा सुल्तान की आरजू पर गया था मैं आका, आपको मालूम है निकाह वाला मसला। शहजादे से गुफ्तगू करके उन्हें कायल करने की कोशिश की मैंने। इस सबब से गए थे? जी हाँ, दरअसल मलिका का इस मामले में परेशान होना बिला सबब था। शहजादे पहले ही उस खातून को हरम से निकालने का फैसला कर चुके हैं। फिर मुझसे दरोग कोई क्यों की? मैं इस मामले को आप तक पहुंचने से पहले हल करना चाहता था। मुस्तफा को बचाना चाहते थे, ऐसा ही है ना? मेरा फर्ज था। आखिर उसे किससे बचा रहे हो इब्राहिम? वो मेरी औलाद है। मुस्तफा बच्चा नहीं, तख्त के नजदीक तर वो ही है। उसकी देखभाल करने के दिन अब खत्म हो चुके हैं। उससे राव रसम रखने में एहतियात करो। आका याद करें, एक वक्त वो भी था जब मनीषा में आप शहजादे थे। मैंने हमेशा अपनी जान से ज्यादा हिफाजत की आपकी। ऐसा करते हुए क्या मैंने मरहूम बाबा सुल्तान सलीम खान से खबरदारी की थी? बताइए मुझे। तुम जो कह रहे हो उसका एहसास है तुम्हें? मुझ पर कैसा इल्जाम लगा रहे हो? आप मुझ पर किस बात का इल्जाम लगा रहे हैं आका? क्या मैं आपसे खबरदारी कर सकता हूं कभी? क्या यह मुमकिन है? मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप अपनी औलाद के खिलाफ ना हो। बाद में आप अपने लिए और उसके लिए कोई तकलीफ दे फैसला ना करें, ये कोशिश कर रहा हूं मैं। हकीकत यही है। चाहे आप यकीन करें या ना करें।
लगता है कि बरसा से अभी अभी पहुंचे हैं पाशा। बिल्कुल अभी पहुंचा हूं। मैं जब जहां कहीं जाना चाहूं जा सकता हूं और जब चाहूं आ सकता हूं। जहां से कभी वापस ना आ सको ऐसे मुकाम भी हैं इब्राहिम, एहतियात करनी चाहिए तुम्हें। मुझे लगता है कि आप खून बहाना चाहते हैं, तो फिर ठीक है, बहने देते हैं खून। मैं भी देखता हूं कि किसका खून बहता है इस मरमर के फर्श पर। क्या तुम ऐलान जंग कर रहे हो? मरहूमा वालिदाए सुल्तान ने मुझे सांप को अस्तहाब बनने से पहले कुचलने के लिए कहा था, लेकिन मैंने नहीं कुचला। कई मरतबा मुझे मौका भी मिला, लेकिन मैंने नहीं किया। क्यों जानती हैं क्या आप? सिर्फ आका की खातिर, सिर्फ वो रंजीदा ना हो इसलिए। लेकिन अब लगता है कि संगीन खता हो गई, क्योंकि वो सांप अब सात सरों वाला अजदहा बन चुका है। वो सबसे ज्यादा आका को रंज दे रहा है, उन्हें बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। वो और उस अजदहे को कुचलने का वक्त अब आ चुका है। सुलेमान, क्या हुआ? पाशा ने क्या वसाहत दी? खामोश रहेंगे क्या आप इस खत्तारी पर? खत्तारी नहीं की हो रहा, वो निकाह वाला मसला था। मुस्तफा से मुलाकात करके उसे कायल करना चाहता था सिर्फ। और आपने यकीन कर लिया? मुस्तफा उसके हाथों में बड़ा हुआ है, वो मेरा यार दरीना है। अपने तौर पर मसला हल करना चाहता था वो। सुलेमान, आपकी ये मोहब्बत और अंधा एतमाद आपकी आंखों पर कहीं पर्दा न डालते। बरसा में क्या बातें हुई हमें नहीं मालूम और ना कभी हम जान सकते हैं। हो सकता है कि ये मासूम मुलाकात हो, लेकिन अगर ना हुई फिर कहीं आपके खिलाफ किसी बगावत की तैयारी तो नहीं हो रही? दियाना, तुम्हारा एहसान है मुझ पर। अगर तुम ना आती उस रात मुझे बचाने तो क्या चाहती हो तुम मुझसे? शहजादे आज वापस महल पहुंच जाएंगे, मेरे साथ जो हुआ मैं उन्हें बताऊंगी।
मेरी गवाही दोगी ना तुम? क्या हुआ तुम्हारे साथ दियाना? शहजादे मुस्तफा तशरीफ ला रहे हैं। वालिदा। क्या हुआ बेटे, मुलाकात हुई क्या इब्राहिम पाशा से? जी हो गई पाशा से मुलाकात। आपके लिए उन्होंने एहतराम और सलाम भेजा है। सलामत रहे। बात हुई तुमसे? क्या हुआ बताओ ना। फिलहाल मैं थका हुआ हूं, बाद में आऊंगा आपके पास। मुस्तफा छोड़ दो इस जिद को, इसे अना का मसला मत बनाओ। वालिदा क्या आपको एतमाद नहीं है मुझ पर? सिर्फ तुम ही मेरा वाहिद सहारा हो। तुम पर एतमाद नहीं करूंगी तो किस पर करूंगी? और ये भी जान लो कि तुम्हारा वाहिद सहारा भी मैं हूं। तो फिर आप मेरा साथ दीजिए वालिदा, मेरा जो भी फैसला होगा साथ देना होगा आपको। किस तरह उनके हाथ लग गया वो मकतूब? हुरम तश्ती अली के जरिए भिजवाया होगा ना? हाँ ऐसा ही हुआ, लेकिन उसके साथ जरूर कुछ हो गया। क्या मालूम, वो भी हुरम का खिदमतगार हो शायद। नहीं ऐसा सोच भी नहीं सकता, उस पर मुकम्मल एतमाद है। आ जाओ। पाशा मोहतरम, मसू अफंदी तशरीफ लाए हैं। भेज दो। पाशा शहजादी आओ मत रखी, मैं भी तुम्हें ही बुलवाने वाला था। ये तरची अली कहां है मालूमात है क्या तुम्हें? मनीषा भेजा था आपने पाशा, मुझे लगता है मतरक जी तुम्हें हादसे की खबर नहीं हुई। ऐसा क्या हो गया? क्या हो गया, तुम कैसे आए हो? बताओ बताओ, रुको नहीं। निगार खातून बच्ची लेकर फरार हो गई है। इसे बहुत पसंद है ये। अच्छा खातून। हाँ अभी लेकर देती हूँ, बताओ क्या चाहिए। मोहिउद्दीन नाम के एक आगा होते हैं यहाँ, बंदरगाह से माल लेकर आते हैं, आप जानते हैं? कैसे नहीं जानता, वो खड़े। कौन वो छोटे कद वाले आगा? हाँ वही हैं। वैसे आप क्यों पूछ रही हैं? कितनी अशरफी हैं? एक अशरफी। मोहिउद्दीन आगा आप कौन है खातून? आपसे कुछ बात करनी थी मुझे। कहिए। दरअसल मुझे सुलीना जाना है आगा, मैंने सुना है आप सफर का बंदोबस्त करते हैं। सुलीना? सुलीना कहाँ है खातून? दरिया के किनारे तुलशा के करीब। समझ गया, कर लेंगे, आसान है, लेकिन आप पहले पैसों की बात करें मुझसे। जो भी कीमत हो मैं दूंगी। जहाज है ना? बिल्कुल है, आकिरमान जाने वाला एक जहाज है, किली की तरफ जाता है, किली में उतरकर वहां से आगे जाना होगा। ठीक है, मैं कब तक जा सकती हूँ? एक हफ्ते बाद। उससे पहले मुमकिन नहीं है? नहीं, अगर उस पर नहीं जाएंगी तो 3 महीने इंतजार करना होगा।
काफी नहीं, बाकी अशरफियां सफर के दौरान दे दूंगी। चलो ठीक है, हफ्ते को मिलते हैं। पाशा मोहतरम, या हूं, इधर आकर बात करो। निगार खातून कहाँ है पाशा? मिल गई आपको? ये तो तुम मुझे बताओगे। क्या वो तुम्हारी बीवी नहीं है? वो हरगिज मेरी बीवी नहीं है पाशा। वो निकाह मजबूरन किया था, उसे कभी हाथ नहीं लगाया और लगाऊंगा भी नहीं। अब मिलते ही उसे तलाक दे दूंगा। तुम जानबूझकर मुझसे इंतकाम ले रहे हो, यही ना? कहाँ है वो खातून? मेरी बच्ची को कहाँ छुपाया है, बताओ। मेरा कोई ताल्लुक नहीं पाशा। नसू आफंदी ने आपको नहीं बताया? खातून मेरे घर से चोरी करके फरार हुई है। दुआ करता हूं कि साजिश में तुम्हारा हाथ नहीं होगा रुस्तमाखा, वरना तुम्हारी जान ले लूंगा मैं। उसकी तलाश जारी है पाशा, हमारे आदमी उसका ताकुब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मिल जाएगी। क्या ये तुम्हारा घर है? फरमाइए आगा, कमरा चाहिए क्या? एक खातून को तलाश कर रहे हैं, उसके साथ एक बच्ची भी है। मानूर, मेरी प्यारी बेटी, तुम यहाँ खामोशी से बैठो, ठीक है? यह है उसका कमरा। वो अभी अंदर है क्या? कुछ देर पहले ही आई है। उसका कसूर क्या है आगा? तुम अपना काम करो खातून। हेलेना, शहजादे मोहतरम मिलना चाहते हैं तुमसे। खड़ी क्या सोच रही हो खातून? अब चलो। मुस्तफा, अगर ये निकाह हो गया तो फिर आका आपकी वफादारी पर शक करने पर मजबूर हो जाएंगे। उनके हतमी फैसले की खिलाफ वर्जी की आपने, वो ये समझेंगे। क्या आप यही चाहते हैं? आओ मुस्तफा, शुक्र है तुम आ गए। तुम्हारे बगैर ये महल जहन्नुम लगता है। मैंने एक फैसला किया है हेलेना, इस फैसले का ताल्लुक तुम्हारी जिंदगी से है। आज की रात आखिरी रात है, कल सुबह तुम अपने घर वापस जाओगी, अपने अहले खाना के पास।
हमारा निकाह नहीं होगा। मुस्तफा, मैं एक शहजादा हूं, उसूलों पे कारबंद रहना मेरी मजबूरी है, क्योंकि कायदे और उसूल यही कहते हैं। ठीक है, मेरी वजह से तुम अपने खानदान को खिलाफ नहीं करना चाहते, यकीन करो मेरा, मैं भी नहीं चाहूंगी कभी। मेरा दिल जल रहा है मुस्तफा, और बहुत ज्यादा। शायद हम दोनों के लिए भी यही अच्छा होगा, क्योंकि ऐसी जिंदगी की ख्वाहिश मुझे नहीं, मैं इस तरह नहीं रह सकती हूं, ये मुमकिन नहीं। तुम्हारी वजह से मैं आई थी, तुम्हारी वजह से चली जाऊंगी। वालिदा, मेहरमा, तुम्हारे लिए पसंद किए हैं ये जवाहरात। इसकी क्यों तकलीफ की? मेरे दिल ने चाहा। ये हार कहां से आया? कभी देखा नहीं मैंने। जमरुद आगा से मंगवाया था, वो लाए थे। क्या बना है, सूरज है क्या? पसंद कर लो जो तुम्हें अच्छा लगे। जो पसंद ना आए मुझे वापस भेज देना, मैं इदारे की खवातीन को तोहफे के तौर पे दे दूंगी। मेहरमा, काफी दिनों से परेशान लग रही हो, क्या बात है बताओ कि मुझे? नहीं वालिदा, ठीक हूं मैं। ठीक हो वो तो लग रहा है, ठीक होने की वजह क्या है मैं जानना चाहती हूँ। ये बहुत खूबसूरत लग रहा है मुझे, पहन कर देखती हूँ। मलिका, मेरे हवाले करो। माफी चाहता हूं, लेकिन क्या फरमाया आपने? सुन तो ताखा, तुम ये कभी नहीं चाहोगे कि मैं तुम्हें बोरी में बंद करके समंदर में फेंकवा दूं, क्यों? ऐसा ही है ना? लाओ दो मुझे। चलो मेरे साथ। ये तो अच्छा हुआ उसका ठिकाना मिल गया पाशा, वो अब कहीं नहीं भाग सकती। किस वजह से इतना एतमाद है खातून को? दर बदर घूमकर परेशान करेगी मेरी बच्ची को। आओ। पाशा मोहतरम, तश्जी अली याह्या साहब तशरीफ लाए हैं। जल्दी भेजो। पाशा मोहतरम, कहां थे तुम? तर्जी अली, फौरन वजाहत दो इसकी। मुझे आपने याद किया, मैं फौरन आ गया पाशा। मसला क्या है? मसला? तुम्हें जो मकतूब दिया था वो आका तक कैसे पहुंच गया? ये कैसे हो सकता है? वो मकतूब अपने हाथों से दिया था कासिद को। मैंने तुम्हें भेजा था तर्जी अली, फिर वो मकतूब उस कासिद के पास कैसे पहुंचा? तुम ऐसी खता कैसे कर सकते हो? माजरत चाहता हूं पाशा, मुझे
मस्जिद कुछ दिन रहने की जरूरत पड़ गई थी। क्या है इतना अहम मसला? दिल का मामला है पाशा, जाने से पहले एक बार और देखना चाहता था। क्या कहा? तस्ची अली, मैं तुम्हें जो भी हुक्म दूं उसे सबसे अहम होना चाहिए तुम्हारे लिए। आइंदा ऐसी गलती ना हो। आप फिक्र ना करें पाशा, सुमृत किसने लिखा है ये मकतूब? मेहर माँ को ऐसे लिखने की कौन जरूरत कर सकता है? जवाब तो मुझे। कौन है ये मैं नहीं जानता मलिका, मुझे एक आगा ने दिया था। मेहर माँ का वफादार होना बहुत अच्छी बात है। जिसने भी ये लिखा है वो कल मेहर माँ से मुलाकात करना चाहता है। जाओ ये उसे दे दो। अगर उसे कुछ भी बताया और किसी भी किस्म का शक भी हुआ शहजादी को, या तुमने उसे इस मुलाकात से रोकने की कोशिश भी की, तो तुम्हारी जान ले लूंगी मैं, समझ गए? आओ। शहजादी। आओ जमरद आगा। क्या बात है? ये आपके लिए। शहजादी, मेरी रवानगी का वक्त आ पहुंचा है। रवानगी से कबल अगर आपके चेहरे ताबनाक का दीदार नसीब हो जाए तो मेरी खुशनसीबी होगी। कल सुबह पाए बाग में चश्मे के पास आपका मुंतजर रहूंगा। कोई मसला है क्या? नहीं शहजादी। कोशिश तो करो, ये बारिश किसके आंसुओं से बनी है, ये किसके अश्के रवा है, ये सिया आसमान पर चमकता हुआ चेहरा किसका है? किसी दोस्त का है या किसी दुश्मन का? कोशिश करो, शायद नजर आ जाए। क्या तुम उसे पहचान लोगे? उमूर दुनिया अंजाम देने के अलावा मेरे दिल में ये कैसा शोर शगब है, शायद कयामत आने वाली है या फिर मौत के बाद ये सब शोर शगब फना हो जाएगा। हमारे कान गफलत की रुई से ढके हैं, उन्हें बंद कर दिया गया, आंखों से हकीकत को पिन्हा कर दिया गया। इस वजह से हम मोहब्बत के अंदेशों में उलझे हुए और आने वाले कल का गम एक शक में तड़पते रहते हैं। हकीकत को महसूस न करने वाले इस गम को शमाए मोहब्बत की आग में जला देंगे। इसे तुम खुद ही जला दो और इस हिसार से बाहर आओ सुलेमान, क्योंकि दुनिया तुम्हारे लिए मिसल जिंदान है। इस जिंदान में फना हो जाओगे, खत्म हो जाओगे, दूसरे जिंदानी खुशियां मनाएंगे। हमारे बदन हमारी रूह के लिए एक जिंदान बन चुके हैं। मौत बदन में आने के बाद, मिट्टी में मिलने के बाद ये रूह अपने जिंदान से रिहाई पाती है, अपने अल्लाह के पास चली जाती है। अपनी आंखें खोलो और इस फानी दुनिया के जिंदान में किसी से भी वफा की तवक्का मत करो। इस दुनिया की वफा भी बेवफा है,
ये दुनिया हमेशा जिंदा रहने का मकान नहीं सुलेमान। इस दुनिया की सुबह भी झूठी है, क्योंकि हर सुबह के पीछे एक रात छुपी है। उदास मत हो, मेरे लिए यही ज्यादा बेहतर हुआ। मैं फिर से पहले की तरह आजाद औरत बन जाऊंगी। तुम्हारे रास्ते आसान हो। शुक्रिया। मलिका, मैं जा रही हूं। फिक्र ना करो, तुम अपने घर वालों समेत हमारी हिफाजत में रहोगी। क्या ख्वाब देखकर आई थी? निकाह करते क्या तुम्हारे साथ? जबान बंद रखो अपनी। फिदान, तुम खुद जाकर अहले खाना के हवाले करोगी। आपका जो हुक्म मलिका। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। शहजादी, मैं आपके पास आने वाली थी। मौसीकी के उस्ताद आ चुके हैं और मशखाने में आपके मुंतजर हैं।
अभी मैं मसरूफ हूँ, बता दे उन्हें। शहजादी, कहाँ जा रही हैं आप? क्योंकि वालिदा इस बारे में जानना चाहेंगी। पाई बाग जा रही हूँ, मैं घूमना चाहती हूँ। जैसे आपकी ख्वाहिश शहजादी, लेकिन अपने दर्द को नजरअंदाज ना करें। वालिदा ने खास तौर पर तन्मी की है मुझे। फिक्र ना करें, जल्दी आ जाऊंगी। शहजादी, तुम्हारी रवानगी किस वक्त है? तैयारी मुकम्मल है, आगा मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं सो ना सकी रात भर, ऐसा कब तक चलता रहेगा? तुम वहां, मैं यहां। किस्मत में क्या लिखा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन कोई रास्ता ढूंढना होगा शहजादी। आपके साथ मैं अपनी तमाम जिंदगी बिना किसी खौफ के खुशियों के साथ गुजारने का रास्ता ढूंढ लूंगा। मेहर मां, वालिदा में जाओ, अपने कमरे में इंतजार करो मेरा। वालिदा, आप, मैंने कहा कमरे में जाओ अपने। मुझे खबर क्यों नहीं दी तुमने? मैंने देखा नहीं शहजादी, न जाने अब क्या होगा। एक शहजादी की आंखों में झांकने पर भी पाबंदी होती है, और तुम उससे छुप छुप के मिल रहे हो, हाथ थाम रहे हो शहजादी के। मलिका, माजरत चाहता हूँ, मेरी बुरी नीयत नहीं थी। लगता है कि तुम अपने होश में नहीं हो। कब से मिल रहे हो तुम दोनों? मलिका, जवाब चाहिए। सफर से वापसी पर उनसे मेरी पहली बार मुलाकात हुई थी। तश्री अली आया, इस वक्त तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह मेरे रहमो करम पर है। मलिका, के सामने मेरा सर खम है, लेकिन ये जान ले के मेहरमा सुल्तान के लिए मेरे जज्बात सादिक हैं, उनकी गहरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूं। काफी बहादुर हो तुम, लेकिन ये महज पागलपन है। जान बख्श दूंगी तुम्हारी, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मेहरमा को रंज ना पहुंचे। जैसे गुलाम पर आपकी नवाजिश है मलिका। इस नवाजिश का बदला भी चुकाना पड़ेगा तुम्हें, वक्त आने पर चुका देना। मैं राजी हूं मलिका। आज के बाद अपनी बेटी के पास नहीं देखूं तुम्हें, कभी नहीं। कतन कोई ख्वाब मत बुनना। हमें यहां अकेला छोड़ दें। उसके साथ क्या किया? उसका कसूर नहीं कोई, वो मेरी ख्वाहिश पर आया था। तुम खामोश रहो। अल्लाह का शुक्र कि मैंने देख लिया, अगर कोई और देख लेता तो तुम्हारे बारे में क्या सोचता। अफसोस, अभी से ऐसे कारनामे अंजाम दे रही हूं। मैं आपको कैसे बताती है? जो बता नहीं सकती वैसा कुछ नहीं करोगी तुम फिर से।
वालिदा आप उसे बख्श दे खुदारा, उसे कुछ हो गया तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी मैं। क्या हाल बना लिया, देखने वाला यही समझेगा कि तुम सौदाई हो गई हो। हाँ हूं मैं सौदाई। तुम क्या जानो कि मोहब्बत क्या शय है महरमा। उसे जब देखती हूं तो मेरा दिल बेख्तियार धड़कने लगता है, रात दिन उसी को सोचती रहती हूँ, जहन में बस वही बसा है। ये मोहब्बत नहीं तो क्या है फिर। महरमा मेरी जान सी बेटी, अपने जज्बात संभालो, ये ठीक नहीं है, खासतौर पर तुम्हारी उम्र में। मैं बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई हूँ। हाँ हाँ बड़ी हो गई हो, देख रही हूँ। अल्लाह तुम्हें नजरे बद से बचाए, तुम कितनी हसीन हो, जो भी देखेगा दीवाना हो जाएगा, तुम्हारे हुस्न के शहर में गिरफ्तार हो जाएगा। तश्री अली भी उन्हीं दीवानों में से एक दीवाना है। उसका क्या होगा, ये तुम पर मुनहसर है महरमा। अगर तुम वादा करोगी कि दोबारा नहीं मिलोगी उससे तो बख्श दूंगी उसकी जान। वालिदा मैं इसका फैसला तुम करोगी, सिर्फ तुम। तुम्हारे आने की उम्मीद नहीं थी, खैर अच्छा है आगे। आ गई हूँ मैं आगा। जहाज तैयार है क्या? हाँ जहाज तैयार है, आओ मेरे साथ। खाने में बैठना पड़ेगा काफी। जहाज कब तक रवाना होगा? अभी वक्त है, शाम तक रवाना हो जाए। खाने पीने का सामान ले लिया ना अपने साथ? जी आगा। ठीक है, बाकी अशरफिया भी दे दो। जबरदस्त, आ जाओ खाने। जाओ नीचे। देख रही हो तुम, पता है यहां आने से पहले मैं सोलिना में थी, मेरा घर वहीं पर है, वहीं पैदा हुई थी। तुम्हें पता है हम वहीं जा रहे हैं,
वहां हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। बाबा। अस्पनूर। मेरी बेटी, मेरी जान, मैं आ गया हूं। पाशा। मेरी बेटी, अस्पनूर। चलो मैं भी आया। मेरी बेटी। उठो। इस वक्त तुम्हारे सामने अजीम सल्तनत का वजीर आजम खड़ा है। मुझसे छुपकर फरार हो जाओगी, ये समझ रही थी क्या तुम? पाशा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं चाहता तो तुम कभी भी इसका चेहरा नहीं देख पाती, मगर मेरा जमीर इस बात को नहीं माना। मैंने चाहे से देख लो, मैंने चाहे से मिल लो, लेकिन तुमने मुझे यह सिला दिया। पाशा, वो बंद कर अपना सब खत्म। आज के बाद तुम जिंदगी भर इसे देख नहीं सकोगी। अब इसकी सजा भुगतो। मलिका। सिंपल आका। मलिका, आका का एक पैगाम लेकर आया हूँ। उन्होंने फरमाया है कि वो आज शाम का खाना आपके हमरा यहीं पे तनावुल फरमाएंगे। तो फिर शकर आगा को खबर करो इसकी। आका के मरहूब तरीन खाने तैयार करवाओ फौरन। आपका हुक्म सर आंखों पर मलिका। इसके अलावा एक मसाला और भी है। क्या है? मनीषा महल में रखवाई जाने वाली खातून की जानिब से पैगाम आया है, उसने मालूमात दी है। शहजादे मुस्तफा ने उस लड़की हेलेना को महल बदर कर दिया है। ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। लगता है इब्राहिम पाशा के कहने पर निकाह से इनकार कर दिया। क्या करना है मलिका? जवाब देंगे क्या खातून को आप? उसे कहो एहतियात से रहे, वो कतन खुद को इफ्शा ना करे किसी के सामने। अभी से वो अपनी अहमियत बनाने लगी है मलिका। माहे दौरा सुल्तान बहुत एतमाद करने लगी है उस पर। तहमल से हुक्म का इंतजार करें और तब तक वहाँ जो कुछ भी होता है मुझे खबर पहुँचाए। समझ गया मलिका, मैं पूरी तरह। शहजादी मोहतरम, तुम जा सकती हो। गुलजार, क्या हुआ? क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? शहजादी को शरबत देने गई थी मैं। तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है? तुम कौन होती हो? मैं तुम्हें क्यों जवाब दूंगी? तुम पर मेरी नजर है खातून। उलझो मत मुझसे, वरना फिदान खातून से शिकायत कर दूंगी मैं। वैसे भी तुम उन्हें नापसंद हो। ओहो, जिद ना करो बिलाल आगा, तुम भी साथ चलो ना, 40 साल बाद आज लुत्फ लेंगे। अरे मैं आ तो जाऊं, मगर किराज आगा मेरी निगरानी करता है। कसम से देख लिया तो मार दिया जाऊंगा। उसने मेरी शिकायत कर दिया फीफा खातून से, मैं मिन्नतें करते करते थक गया। अरे भाई, वो कैसे देख लेगा? मैं खाने के रास्ते का उस दीवाने को क्या मालूम। चलो ना बिलाल आगा,
नई नई खवातीन आई है। कौन सी खातून है आदम? कौन मुझसे पूछे बिना लेकर आया है खातून हरम में? हरम में नहीं आगा, हरम में नहीं, मैं खाने में आई है। उसका कह रहा है, ये बहुत जिद कर रहा है मैं खाने जाने के लिए। तुम्हें जो कोई भी देखेगा शकर आगा शरीफुल नफ समझेगा, लेकिन इतने बड़े से पेट वाला बदमाश बिल्कुल बेअदब है किसे मालूम। वरना बत्तीस ही निकाल लूंगा तुम्हारी। शकर आगा, आज शाम का खाना आका हुरम सुल्तान के साथ उनके कमरे में तनावुल फरमाएंगे। इसके अलावा शहजादे और महमा शहजादी भी हमरा होंगे उनके। ओहो सुंबुल आगा, तुम भी अब बताने आए हो, शाम तो होने ही वाली है। तुम्हारे इतने सारे बावर्ची किस दिन काम आएंगे शकर आगा? याद रखना, आका के लिए मरगूब तरीन खाने तैयार करने होंगे, और हाँ किसी चीज की कोई कमी ना हो। रुको नहीं, चलो शुरू हो जाओ। कोई नहीं रुकेगा, चलो अब काम करो अपना। शहजादी, निगार खातून मिल गई है रुस्तम आगा, अंदर कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रही है, उसे लेकर अपने घर जाओ। मेरे घर में कोई जगह नहीं है उसके लिए, खातून को तलाक दूंगा। उससे तुम्हारी शादी का फैसला मैंने किया था, तलाक का फैसला भी मैं ही करूंगी। शहजादी, उसे तुम तलाक नहीं दोगे रुस्तम आगा, अगर मेरी बात नहीं मानी तो इसका नतीजा संगीन होगा, ये जान लो। तुम्हारी तायनाती का फरमान जारी हो चुका है, निगार को साथ लेकर तुम पीके जाओगे, समझ गए मेरी बात? महमद भाई के साथ घुड़सवारी की थी बाबा। बाबा नहीं आ तो कहोगे तुम, सीख लो ये सब। क्या तुम सिखाओगे मुझे? झगड़ा मत करो। महमद, फरमाइए आका। कल दीवान में तुम्हें साथ देखना चाहता हूँ, बादशाहों के साथ मुज़ाकरात होंगे। जैसे आपका हुक्म आका। जहांगीर लो। आका इजाजत दे तो अपने कमरे में चली जाओ। कुछ खाया भी नहीं है तुमने, क्या हुआ है? तबीयत ठीक नहीं है क्या? कुछ तबीयत नासाज है मेरी, तबीबा को बुलाता हूँ। जरूरत नहीं, आराम करने से बेहतर हो जाऊंगी। क्या मैं तुम्हें छोड़ाऊं कमरे तक महरमा? नहीं वालिदा, आप खाना खाइए। औरंग, महरमा को क्या हुआ है? हर वक्त बागीचे में घूमती है, सर्दी लग गई है शायद। शायद कोई मसला है उसके साथ। क्या हो सकता है? अगर ऐसा होता तो मुझे खबर होती मेरे आका।
तुमने सच कहा था, उस रात तुम्हें मरने के लिए छोड़ देता तो अच्छा था। तो मुझसे जान छूट जाती, मगर अब उसे करने का क्या फायदा? मेरा सोना कहाँ है? बस यही बचा है, तुम्हारा कर्ज है मुझ पर, चुका दूंगी एक दिन। वक्त पर तलाक क्यों नहीं दे मुझे? तुम्हारी मिन्नत की थी मैंने, अब अगर चाहो भी तो नहीं दे सकते। इब्राहिम, अब क्या होगा? हुरम पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गई। फिरोजा को भेजने के बाद इंतकाम लेने की कसम खा रही थी वो। मुस्तफा पर भी इल्जाम लगा दिया उसने, वो बिल्कुल आपे से बाहर हो चुकी है। इब्राहिम, किसी भी तरह उसे रोकना होगा हमें। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं जब तक जिंदा हूं कोई भी शहजादे को चरण नहीं पहुंचा सकता। मैं हिफाजत करूंगा उनकी। अच्छा, और तुम इब्राहिम, तुम्हारी हिफाजत कौन करेगा? आप ऐसी बातें सोचकर खुद को परेशान ना करें शहजादी। अब तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? हुरम को निकालने का वक्त क्या अब तक नहीं आया? क्या मतलब? शहजादा मोहम्मद फने हर्ब सीखने जाने वाला है, वो जाएगा तो हुरम भी उसके साथ जाने पर मजबूर हो जाएगी। मैं भी यही सोच रहा था शहजादी, मगर उसकी उम्र मुनासिब नहीं है। आका भी जब फने हर्ब सीखने गए थे तो इसी उम्र के थे। इब्राहिम, दूर भेजने का बस सिर्फ यही एक तरीका है हुरम को। इसका फैसला सिर्फ आका ही कर सकते हैं। तो फिर आका से किसी भी तरह यह फैसला करवाना होगा हमें। अगर हम बात करेंगे तो नहीं मानेंगे वो, लेकिन अगर मेहमत बात करेगा तो मान जाएंगे वो। सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। बाबा, तुम्हारी फिक्र थी, कैसी हो तुम? फिक्र ना करें आप, आराम करने से सुबह तक ठीक हो जाऊंगी। वालिदा से तुम्हारी क्या बात हुई है? कुछ भी नहीं, चांद सी बेटी। अमीरुल बहर पाशा, बहरी बेड़ा कब तक तैयार हो जाएगा? शहजादे बेसब्री से हमारे साथ जाने के लिए बेचैन है। तमाम कारखानों में 62 जहाज मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके हैं आका। अगर हम इसी रफ्तार से काम करते रहे तो मौसम गर्मा से पहले शहजादे के हमरा हम रवाना हो जाएंगे इंशाल्लाह। आका, मुझे इजाजत दे तो मैं किसी दिन खुद जाकर देखना चाहता हूँ कारखानों को। तुम जिस वक्त चाहो चले जाना, बहरी बेड़ों की तैयारी के मुतालिक मुझे आगाह करते रहिएगा। जो आपकी ख्वाहिश मेरे आका।
قوانین میں تبدیلی کے کام کی کیا صورتحال ہے استاد چلیبی؟ آقا آپ کے حکم کے مطابق ایک وفد قائم کر لیا گیا ہے، عام قوانین پر تحقیقات جاری ہیں. اعلیٰ. اس کے علاوہ اس تحقیق کے ہمراہ حرم سلطان کے فلاحی ادارے کے لیے بھی مصروف ہوں. معلومات ہے، مگر جامعہ کی تعمیر کے لیے جگہ کا انتخاب کرنا ضروری ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اتنی مصروفیت کے باوجود قاضی صاحب فلاحی ادارے کے لیے بھی وقت نکال لیتے ہیں، ماشاءاللہ. آقا ثواب کے لیے ہمیشہ وقت مل جاتا ہے، جنہیں نہیں ملتا وہ زندگی سے دوسرے انداز میں لطف اندوز ہوتے ہیں، میں خانوں میں صبح کرتے ہیں وہ. ملکہ، آخر آپ سے ملاقات ہو ہی گئی. آپ کو خوش آمدید زینب خاتون، تشریف رکھیے. عفیفہ خاتون سے ملیے، یہ سربراہ خزانچی ہیں حرم کی اور آقا کی رضائی ماں بھی ہیں. تو عفیفہ خاتون گویا آپ ہیں. آپ کے بیٹے یحییٰ صاحب بہت فرما بردار شخص ہیں، وہ بہت اچھے انسان ہیں، رب انہیں عمر دراز عطا فرمائے. آمین آمین. وہ بھی آپ کے شوہر ابو سعود صاحب کی بہت تعریفیں کرتا ہے، اللہ انہیں خوش رکھے. زینب خاتون، پیشکش کے بارے میں کیا سوچا؟ سوچنے کی کیا ضرورت ہے ملکہ، آپ کی خدمت میرے لیے باعث شرف ہوگی. شکریہ. فرانس کے سفیر میرے پاس آئے تھے میرے آقا، وہ کارخانے دیکھنا چاہتے تھے. وہ ہماری اتحادی ہیں لیکن کفار ہونے کے ناطے میں نے اجازت نہیں دی. وہ اپنے بارے میں ہمارا مستقل فیصلہ جاننا چاہتے ہیں. پہلے ہم جو چاہتے ہیں وہ حاصل کر لیں، اس کے بعد سوچیں گے. آقا آج کچھ اہم مقدمات میرے منتظر ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو عدالت جانا چاہتا ہوں. بالکل استاد چلیبی. آقا پاشا محترم. قاضی صاحب، میں کسی دن آپ کے بیٹے احمد چلیبی سے ملنا چاہتا ہوں، کافی تعریف سنی ہے، وہ صاحب علم و عرفان بھی ہیں اور ایک اہم مفکر بھی. آقا قاضی صاحب نے ایک فرما بردار اولاد کی پرورش کی ہے. ابو سعود جیسے عالم اولاد کی پرورش ایسے ہی کرتے ہیں. کیا ہوا خاتون، بات ہوئی کیا ملکہ سے؟ جی ہاں، نوازش ان کی شاندار استقبال کیا میرا، کافی دیر تک ان سے گفتگو رہی. چلو چلے. صاحب کیا ہوا؟ اور کیا ہونا ہے خاتون، اور کیا ہونا ہے؟ تمہاری اس بدبخت اولاد کی وجہ سے ہمیشہ میرا سر جھک جاتا ہے خاتون. خود کو تو برباد کیا ہے لیکن میری بربادی کا باعث بھی بنے گا. کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ کون کتنا جانتا ہے اس کی تو خبر نہیں، لیکن مجھے کہا ضرور ہے خاتون، مجھے اس کا تانا دیا ہے. ہاں چلو چلے آ جاؤ. سن لیا نا تم نے قاضی صاحب کو، اب تم بھی عیاشی سے دور رہو گے. قاضی صاحب سے پناہ، کوئی بات نہیں چھپا پاتے وہ. ایسا ہی ہے شہزادے. کیا آپ جا رہے ہیں؟ خضر خیر الدین پاشا کے ساتھ کارخانے جائیں گے، اگر آپ چاہیں تو ساتھ چل سکتے ہیں. بالکل جانا چاہتا ہوں پاشا. میرے آقا
Beni görmek istemişsiniz. Hoş geldin Ayaz Paşa. Nasılsın? Eksik olmayın sultanım. İyiyim. Sizler de iyisinizdir inşallah. Şükür. İbrahim Paşa ke saath aapke taluqat kaise hain? Koi pareshani nahi, shukr hai. इब्राहिम पाशा पर अगर कोई मुसीबत आई, अल्लाह ना करे, लेकिन कुछ भी हो सकता है, मौत, बीमारी, तो उनके बाद वजीर आजम आप ही बनेंगे, क्यों ऐसा ही है ना? हिफ्ज़े मरातिब के हिसाब से मेरी बारी है, लेकिन इसका फैसला सिर्फ आका ही कर सकते हैं। खूब। इब्राहिम पाशा वजीर आजम बनने से पहले मुकर्रब खास थे, उनकी उम्र आप जानते ही होंगे, अभी भी बहुत जिंदगी बाकी है। सेहतमंद है और जानते ही हैं काफी ताकतवर भी हैं वो, सब कुछ हाथ में है उनके। और अगर उन्होंने ये जगह ना छोड़ी तो फिर आपको ये मुकाम कभी नहीं मिलेगा। मैं अपने मनसब से मुतमईन हूं मलिका, मेरे लिए मकाम और मनसब कोई वक्त नहीं रखते। इस पर कोई शक नहीं, लेकिन आप जैसे बेश कीमत और तजुर्बाकार पाशा को उसकी शान के मुताबिक मुकाम मिलना चाहिए। दूसरी सूरत में इस सल्तनत का अंजाम बुरा होगा। अगर मुझे मौका मिला तो फख्र होगा। बिल्कुल आला, आपसे मुस्तकिल ताल्लुक रहेगा पाशा, अगर मेरा हुक्म मानते रहेंगे तो एक दिन आपको वो मुकाम जरूर मिलेगा। क्या ये आपका जहाज है? बिल्कुल शहजादे, सफर की तैयारी की वजह से मुझे आका ने महल में जगह अता फरमाई थी, मगर ये मेरा महल है। जहाज अचकोले खाता रहता है, वरना तो दूसरी सूरत में इन्हें नींद नहीं आती। समंदर का शेर कहा जाता है आपको। जितने मुंह उतनी बात है। बहुत सी कहानियां होंगी आपके पास, मैं खास तौर पर सुनना चाहता हूँ। आका मोहतरम ने बहरी रईसों के साथ गुजारी जिंदगी के मुतालिक लिखने का हुक्म दिया है और मैं उसे कलमबंद कर रहा हूँ। तहरीर आपको भी भेजूंगा। आला। शहजादे अंदर तशरीफ ले चले। मतलब कि आप यहाँ रहते हैं? यकीनन ये जगह आपके शायर निशान नहीं है शहजादे। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचे, मुझे बहरी और बर्री सिपा के ताकतवर तरीन सलारों की रफाकत मैसर है। फखर है आप दोनों पर मुझे, मुझे आप दोनों से बहुत कुछ सीखना है। ये तो हमारा फर्ज है शहजादे। आज के बाद अक्सर हमारी मुलाकातें होंगी। उमूर सल्तनत पर तवज्जो देंगे आप, सबसे पहले आका का हुक्म बजा लाएंगे, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब पर नजर रखनी होगी आपको। मेहरमा, खुश आमदीद शहजादी। मैंने सुना तुम्हारी तबीयत नासाज है, क्या हुआ? नहीं, कोई भी परेशानी की बात नहीं। रंग उतरा हुआ है तुम्हारा, क्या कहा है हकीमों ने? मायने किया है शहजादी, मौसम की खराबी की वजह से तबीयत पर असर हुआ। क्या हो गया है तुम्हें? कई दिनों से अपने कमरे से बाहर नहीं आई तुम। मेरा दिल नहीं चाहता। कुछ दिन चलकर मेरे यहाँ क्यों नहीं रहती? हुर जहां भी तुम्हें बहुत याद करती है। बाद में आ जाऊंगी। मेहरमा, कोई गम है तो बताओ मुझे, वादा करती हूँ हमारे दरमियान रहेगा। होता तो जरूर बताती। ठीक है, अगर मेरे यहां आने का दिल चाहे तो मुझे खबर भिजवा देना।
चेहरा कैसा मुरझाया हुआ है। अफसोस, क्या हुआ है? मैं भी नहीं समझी शहजादी। आपको यहाँ देखकर अच्छा लग रहा है शहजादी? मैं हरमा को देखने आई थी। मुझसे मिले बगैर ही महल से चली जाती क्या आप? मालूम ही है फिरोजा के जाने के बाद हमारी मुलाकात ही नहीं हुई। फिरोजा चली गई तो कोई दूसरी आ जाएगी? आप इनके साथ मिलकर खातून मुंतखब करती हैं क्या? अफसोस, ऐसा ना करें इन बेचारी के साथ, फजूल में गुना ले रही हैं अपने सर। तुम हमारा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रही हो। आपको सिर्फ हकीकत से आगाह करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। बेहतर है ख्वाब देखना छोड़ दें और इस हकीकत को कबूल कर लें। मेरी राह में डाले जाने वाले पत्थर रेत की तरह रेसा रेसा हो जाएंगे और वो रेत मैं आपके सामने डाल दूंगी, क्योंकि यही मेरी फितरत है। हम खूब जानते हैं तुम्हारी फितरत। आका को हमारे खिलाफ भड़काने की कोशिश करती रहती हो तुम, लेकिन तुम बहुत जल्दी यहां से जाने पर मजबूर हो जाओगी। फिर मैं तुमसे बात करूंगी। क्या मुझे आप भिजवाएंगे महल से? नहीं, बल्कि तुम्हें आका भिजवाएंगे यहां से। अगर मुझसे जान छुड़वाना चाहते हैं तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है शहजादे, आका की जिंदगी खत्म करें पहले, क्योंकि उनकी जिंदगी के बगैर ये दुनिया एक दोसख है मेरे लिए। एक दिन आका सरुहान की जमीनों पर आए, उस वक्त वो भी आपकी तरह जवान शहजादे थे। मुझसे सांस बजाने का कहा और मैंने सांस बजा दिया। वापस जाते वक्त वो मुझे अपने साथ ले आए। वापसी में मैं उनके पीछे चल रहा था, वो अचानक रुके और मुझे अपने पास बुलाया। मैं चला गया। उन्होंने कहा, पारगाली, अपने पीछे चलने वालों को मैं अच्छी तरह जानता हूं, मैंने तुम्हें अपने पास अपना दोस्त बनाने के लिए बुलाया है। वो दिन और आज का दिन, उनसे अलग नहीं हुआ, साथ हूं। इस सल्तनत पर बहुत से एहसानात हैं आपके पाशा। मेरे भाई शहजादे मुस्तफा की भी आपने ही तरबियत की है। शुक्र है वो अभी जेरे तरबियत है। इंशाल्लाह एक दिन आप भी जाएंगे फन हर्फ सीखने के लिए। मैं तो चाहता हूं, लेकिन बाबा ये नहीं चाहते। वो इसलिए नहीं चाहते शहजादे क्योंकि उनके ख्याल में आप अभी पूरी तरह तैयार नहीं हैं। मैं तैयार हूं पाशा। जब बाबा फन हर्फ सीखने गए थे तो मेरी उम्र के थे। सच है, 15 साल की उम्र में ही गए थे, लेकिन आका बहुत ही समझदार शहजादे थे। हमारे बुजुर्ग मरहूम सुल्तान सलीम खान उन पर बहुत एतमाद करते थे। आओ। शहजादे मोहतरम। तस्जी अली, खुशामदीद। आखिर तुम आ गए, इतना वक्त क्यों लगा दिया तुमने? माजरत चाहता हूं शहजादे, कुछ दिन मजीद कायम करना पड़ा। आप खैरियत से होंगे खुदा के फजल से। हेलेना, उसे अपने घर भेज दिया मैंने। अगर आप इसलिए रंजीदा हैं तो मुलाकात के लिए दूसरा रास्ता। जरूरत नहीं है, हम दोनों के लिए यही बेहतर है। आपको इनसे इश्क तो नहीं था? वरना आप सोचे समझे बगैर निकाह कर लेते। ये बताओ पायतख्त में सब कैसे हैं? आका, शहजादे, महरमा सुल्तान? सब ठीक है, खुदा का शुक्र है।
ये बताओ तुम ठीक हो? जी हाँ। क्यों पूछा आपने? जाते वक्त तुम्हारी आंखें रोशन थीं, मगर अब वो रोशनी नापैद है। रास्ते की थकान है शहजादे, आराम नहीं कर सका। तो फिर आराम करो, बहुत से काम करने हैं तुम्हें।